और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रेम प्रसंगों की आशंका को लेकर लड़के और लड़की की मृत्यु का मामला हत्या और आत्महत्या में उलझा। मल्लावा थाना अंतर्गत ग्राम दाऊदपुर में एक युवक और एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला प्रकाश में आया, जो हत्या या आत्महत्या में उलझ कर रह गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों का मौका वारदात से मिली जानकारी के अनुसार विपिन पुत्र राज बहादुर उम्र 31 वर्ष निवासी दाऊदपुर गांव के ही कप्तान के बाग में आम के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। वहीं नित्या और उर्फ जूजू पुत्री विद्याराम उर्फ गुड्डू उम्र लगभग 15 वर्ष निवासी दाऊदपुर, जो कक्षा 10 की छात्रा थी, फांसी लगाने वाले स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मृत अवस्था में पाई गई। गले पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले हैं। जानकारी के अनुसार युवक और लड़की चचेरे भाई बहन थे। विपिन सुबह अपने खेत पर निकला था, उसी के पीछे शौच के लिए 7:30 बजे के करीब लड़की भी गई हुई थी। दोनों काफी देर से वापस नहीं आए थे, जिस पर ग्रामीणों ने और घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। गाँव के उत्तर विपिन का शव एक आम के पेड़ से नीचे लटका हुआ मिला और उससे करीब 300 मीटर दूर लड़की का शव पड़ा हुआ भी मिला। इसी दौरान लड़की के परिजन भी खोजते हुए मौके पर पहुंच गए। लड़की के पिता के अनुसार लड़के विपिन नहीं, पहले लड़की की हत्या की गई है और फिर अपनी जान दे दी है। इस बात पर जब पूछा गया कि क्या कारण रहा होगा, तो वह उसका कारण नहीं बता सके।